मुंह में वृद्धि कैसे होती है। पतितावन इस ब्रह्मांड की सबसे प्योर सत्ता को भूल लगने जा रहा है, किस स्थान पे बनना चाहिए। 99% कलयुग के अंत में प्योरिटी का माहौल है हर जगह। कुछ धार्मिक आध्यात्मिक स्थानों को छोड़कर किसी के घर भी पवित्र वाइब्रेशन वाले नहीं है, बहुत रेयरली मिलेंगे, बहुत रेयरली। लेकिन ये जो बाबा के स्थान है ये संपूर्ण पवित्र स्थान है। इन घरों में 24 घंटे में एक बार खुद बाबा चक्कर लगाने आते हैं, चाहे वो 2 सेकंड के लिए आए, पर 24 घंटे में वो चक्कर लगाने आता है। तो बताइए जिस घर में भगवान का आना जाना हो वो स्थान कैसा होगा, जहां सैकड़ों साधक बैठकर साधना करते हो, जहां बाल ब्रह्मचारी रहते हो, जहां नित्य गीता ज्ञान सुनाया जाता हो, जहां आत्माओं का प्रभु से मिलन होता हो, जहां दुखियों के दुख दूर होते हो, जहां आत्मदर्शन होता हो, जहां परमात्मा की पहचान प्राप्त होती हो, ऐसे पावरफुल पवित्र स्थान पर ये ब्रह्मा भोजन, ये भोग, ये प्रसाद ऐसी धरनी पर बनता है। अब इसको बनाने वाले कौन होते, धरनी का भी महत्व है, बनाने वालों का भी महत्व है। आज मैं आपको सामने से एक बात कहना चाहूंगी, जितना भोग लगाने का फायदा है उतना बनाने का भी महत्व है, परंतु कंडीशन, अगर आप नियम धारणाओं में पक्के हैं तो आप सामने से ऑफर कर सकते हैं बहनों को, हम ये भोग बनाने की सेवा करेंगे, चाहे भाई है चाहे बहन है, ऑफर कर सकते हैं, स्वेच्छा से नहीं दूसरे। अगर बहन जी हाँ बोले तो ठीक, नहीं बोले तो भी ठीक। अगर आप नियम मर्यादाओं में ढीले हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भोग से दूरी बनाकर रखिए, नहीं तो पुण्य की बजाय पाप हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे पवित्र सत्ता के लिए बन रहा है। ये केवल पवित्र आत्माओं के हाथ से बन सकता है, ब्रह्मचारियों के हाथ से बन सकता है।